अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम एहसान अहमद है और आप सभी का हमारे इस चैनल किंग आज़मी पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर आप एक इंडियन हैं और एक एनआरआई हैं, कहीं भी आप फॉरेन कंट्री में रहते हैं और अगर आपको एक एनआरआई अकाउंट ओपन कराना चाहते हैं, अगर आपके पास एक एनआरआई अकाउंट ओपन है तो कोई बात नहीं है, लेकिन अगर आपके पास एनआरआई अकाउंट नहीं है और अगर ओपन कराना चाहते हैं तो मैं आपको एक प्रोसेस बताऊँगा ऑनलाइन का, जिससे आप बहुत ही इजीली अकाउंट ओपन करा सकते हैं। जैसा कि पता है कि एनआरआई अकाउंट में आपको टैक्स फ्री है, कोई टैक्स नहीं लगता है, इसमें आप जितना पैसा भेजना चाहें भेज सकते हैं। तो चलिए, मैं आपको उसी के बारे में आज बताने वाला हूं कि कैसे आप एक इंडिया के बाहर से कैसे आप एनआरआई अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको अपने ब्राउज में चले जाना है, कोई किसी भी एक ब्राउज में आप ये ओपन कर सकते हैं। तो चलिए मैं एक ओपन करके आपको दिखा देता हूँ। ब्राउज में जाने के बाद आपको यहाँ पे टाइप करना है HDFC बैंक। आप ब्राउज में जाएंगे तो आप यहाँ पे HDFC बैंक NRI अकाउंट पे क्लिक कर देंगे। अकाउंट क्लिक करेंगे तो देखिए जो दूसरा वाला ऑप्शन आ रहा है NRI अकाउंट का, आपको यहाँ पे टाइप करना है। टैप करेंगे तो कुछ नया पेज ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए कैटेगरी दी हुई है NRI सेविंग, पहला वाला अकाउंट है हम लोग के लिए यही है NRI सेविंग अकाउंट। अगर आप सेविंग करना चाहते हैं तो आपको ये अकाउंट ओपन कराना है। तो चलिए मैं NRI सेविंग अकाउंट पर क्लिक कर देता हूँ। आपको जो NRI अकाउंट होता है वो टैक्स फ्री है, इंडिया में कोई इसके टैक्स नहीं लगते चार्ज, जैसा कि और नॉर्मल सेविंग अकाउंट आप अगर रखते हैं इंडिया में तो उसके चार्ज लगते हैं। तो चलिए मैं NRI अकाउंट क्लिक करता हूँ। क्लिक करेंगे तो हमारे सामने एक नया पेज ओपन हो जाएगा। आपको अपना यहाँ पे फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम इंटर करना है। तो चलिए मैं अपना फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम यहाँ पे इंटर कर लेता हूँ। इंटर करने के बाद आपको अपनी यहाँ पे ईमेल आईडी डालनी होगी। ईमेल आईडी डालने के बाद आपको करंट कंट्री में, जिस कंट्री में आप रहते हैं वहाँ से कंट्री नेम में ईमेल आईडी डालने के बाद आपको देखिए यहाँ पे करंट कंट्री का नाम आ रहा है। यहाँ पे आप जिस कंट्री में रहते हैं वहाँ पे आपको ये सेलेक्ट करना होगा। तो मैं अभी अपनी कंट्री यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ जहाँ पे मैं रहता हूँ। कंट्री सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे आपका मोबाइल नंबर इंटर करना है। देखिए ये सारी डिटेल भरने के बाद आप, अगर आप एक पुराने कस्टमर HDFC बैंक के हैं तो आप यहाँ पे टिक कर दीजिएगा, और अगर आप एक न्यू कस्टमर हैं तो आपको ये नीचे न्यू कस्टमर पे टैप करना है। टैप करने के बाद अगर आप नीचे आएंगे तो एक कैप्चा फिल करना है आपको। तो चलिए मैं अपना कैप्चा यहाँ पे फिल कर लेता हूँ। कैप्चा फिल करने के बाद आपको सबमिट की बटन पे क्लिक करना होगा। देख सकते हैं दोस्तों हमारी रिक्वेस्ट जा चुकी है। थैंक यू फॉर शोइंग योर इंटरेस्ट इन ऑनलाइन NRI अकाउंट ओपन। हमारा NRI एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर भी आ चुका है जो कि स्क्रीन पे आपके शो हो रहा है। अभी देखिए हमारी रिक्वेस्ट सक्सेसफुली हो चुकी है और यहाँ पे एक एप्लीकेशन नंबर भी आ गया है। अभी 24 से 48 घंटे में मुझे HDFC बैंक की तरफ से कॉल आएगी और मुझे वो लोग बोलेंगे कि आपको अपना पासपोर्ट, वीज़ा और एड्रेस प्रूफ रेडी रखना है। ये सब चीज़ें रेडी रखने के बाद आपको कोरियर पिकअप वाले आएंगे, आपके यहाँ से डॉक्यूमेंट कलेक्ट करेंगे और वो डॉक्यूमेंट आपको फिर इंडिया भेजेंगे। 1 वीक के अंदर आपका HDFC बैंक में NRI अकाउंट ओपन हो जाएगा, जो कि आपके यहाँ एड्रेस पे चेकबुक, पासबुक और ATM कार्ड जो भी है सारी चीज़ें आपको यहाँ पर डिलीवर हो जाएंगी। और वो जो ATM कार्ड होता है इंटरनेशनल है, आप उसको कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। तो बहुत ही ईजी है दोस्तों। अगर ये मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसको लाइक एंड शेयर कीजिए, और अगर कोई सवाल या सुझाव है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। फिर मिलते हैं ऐसी किसी एक नई वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।